जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चे जैसे ही TOD लागू हुई है उनके SSC GD 2023 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ रहे हैं। उनमें से जो मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में उनका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे जो SSC GD 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि CAPF में 10% आरक्षित किया गया है अग्निवीरों के लिए, तो पहले बात तो ये कि ये 10% का इस साल की जो 2023 की SSGD है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे अगली जो SSGD आएगी उस पर जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई भी अग्निवीर रिटायर होकर आया नहीं है, तो इसमें 10% आरक्षित नहीं की जाएगी। जो SSGD की वैकेंसी 2023 वाली है इसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं रहेगी अग्निवीरों के लिए, ठीक है। पहला डाउट तो आपका। दूसरा कि सर SSC GD, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर SSC GD में जो CRPF, BSF, ITVP, असम राइफल, इनमें भी क्या TOD लागू होगा? तो मैं बता दूं उनमें नहीं है। TOD सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना में लागू हुआ, डिफेंस में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में लागू हुआ। SSC GD में इसका कोई महत्व नहीं है। इसके कारण SSC GD में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन उठता है सबसे ज्यादा कि SSC GD में क्या क्या बदलाव होंगे TOD के कारण, तो मैं आपको बताऊं बदलाव से बड़ी चीज ये है कि अब आप सभी को पता है कि जो आर्मी में बच्चा जा रहा है, जो नेवी में बच्चा जा रहा है, वो सभी पहले 4 साल के लिए ही जा रहे हैं, जबकि SSC GD के थ्रू जितने भी बच्चे लगेंगे वो अपनी 60 साल की उम्र तक इन फोर्सेस में काम कर सकते हैं, CRPF, BSF, ITBP में। तो अब उनको क्या है, ये एक स्थायी जॉब हो गया सेना का, यानी पैरामिलिट्री फोर्स या CAPF के रूप में स्थायी जॉब हो गया, तो इसकी ओर अब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कंपटीशन ज्यादा हार्ड होगा। अब जितने भी बच्चे जो एज में इलिजिबल रहेंगे 18 से 23 वाले, वो सभी के सभी SSC GD पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक स्थायी नौकरी हो गई, इसकी वैल्यू इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जितने भी बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आपको कमर कस लेनी है, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि इससे हार्ड कुछ नहीं है। इस बार SSC GD के पेपर की जो आप मेरिट देखोगे वो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव ये मान के चलिए कि इस बार जो आर्मी की, अब तक क्या होता था कि जो बच्चा आर्मी की तैयारी करता था ना, वो पढ़ने में रुचि नहीं रखता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब जो भी बच्चा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले, सभी के सभी बच्चे SSC GD पर 100% अटेक करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अभी से तैयारी करेंगे SSC GD 2023 की, क्योंकि इसकी डेट भी फिक्स हो रही है, आप सभी को पता है। और एक ये स्थायी जॉब हो गया है, यानी परमानेंट जो जॉब है, परमानेंट जॉब के साथ साथ आप सभी को पता है CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल में जाने का सुनहरा मौका इसके थ्रू ही मिलता है। तो जितने भी बच्चे जो अभी इलिजिबल है, जिनकी एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 23 साल तक है, वो सभी के सभी अब SSC GD की तैयारी करेंगे, और इसके कारण इस बार तो ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ अभी ये कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सभी को पता है कि SSC GD की वैकेंसी आने वाली, तो जितने भी बच्चे जो इसमें एलिजिबल है वो अभी से कमर कस लीजिए भाई। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब जो नेवी एयरफोर्स में जिन बच्चों का फोकस था वो भी SSC GD की तरफ आएंगे, आर्मी वाले तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा ये। तो जितने भी बच्चे इलिजिबल है वो ध्यान रखिए, SSC GD में इस बार आपको कंपटीशन बहुत ठाडा मिलने वाला है, तैयारी कर लीजिए भाई। और अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो ही आपका नंबर पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस बार SSC GD में सीट निकाला, अब देखना SSC GD किस लेवल पे आ गई है, क्योंकि एक स्थायी है ये जॉब और वो एक अस्थायी जॉब है, उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा इस बार SSGD 2023 के बीच में। जय हिंद, जय भारत, लाडलू।